गरम मसाला बनाने के लिए हमें इन सारे मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमें कौन से मसाले की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून धनिया, 10 बड़ी इलायची, 10 स्टारफुल, 10 इलायची, ये 15 लौंग ली है, 15 काली मिर्च और ये 10 पत्ते तेज़पत्ता, और ये जो दालचीनी और ये जावित्री फूल है मैंने अंदाज़े से लिया है इक्वल क्वांटिटी में। तो अब हम इसे हल्का हल्का भून लेंगे। और ये जो मसालों को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का ही भूनना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जीरा और ये धनिया। अब ये दोनों को 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि फ्लेम जो है वो एकदम कम रहेगी। कुछ मसालों को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत रहती है तो कुछ मसालों को हम सिर्फ हल्का सा गर्म करेंगे। तो उसी हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप मसाले डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले ये धनिया और जीरा को हल्का सा 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसकी तुरंत खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे स्टारफुल, काली मिर्च, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और ये दालचीनी। जावित्री फूल को हम नहीं भूनेंगे, हम इसे डायरेक्टली पीसने के लिए डाल देंगे। तो हम सारे चीज़ों को फिर से सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनेंगे कम आंच पे। हल्का सा गर्म करना है हमें बस इन मसालों को, इससे जो हमारा पाउडर है वो बहुत ही खुशबूदार बनेगा मसाला और खाने में भी फ्लेवर उसका बहुत ही बढ़िया आएगा। ये सारे मसाले हल्के गर्म हो चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद करके इसे नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये जावित्री फूल। इन सारे मसालों की खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे इसे पूरा, और ये ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। ठंडा ये मसाले पूरे ठंडे हो चुके हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने पैन चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये पैन जो है वो मसाले भूनते समय गर्म हो चुका रहता है और हमने मसाले को भूना नहीं है, बस हल्का सा गर्म किया है। तो इसी गर्म पैन में रखने से ये और हल्के से गर्म रहते हैं। अब ये पूरे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये तेज़पत्ता, क्योंकि जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो ऊपर ही घूम जाते हैं। तो हम इस तरह से सबसे पहले ये तेज़पत्ता डाल के ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। इसे हमें अब बारीक पीस लेना है। मिक्सर ग्राइंड करने के बाद इस तरह से कुछ ये फाइन पाउडर बन जाता है और ये हमारा गरम मसाला बनके रेडी है। इस मसाले को हमें छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आप देख सकते हैं एकदम फाइन पाउडर बन चुका है इसका। अब इसे हम किसी भी कांच के बर्तन में रख के इसे में यूज़ में ला सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि जो गर्म मसाला है वो जितना फ्रेश यूज़ करें उतनी ही सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए मसाला हम 8 से 10 दिनों का ही बनाएंगे। तो आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।